मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। अरे कानन कुंडल पीता कहे धू होती थी। आज मेरे पिताजी तुम उदास क्यों हो? आज से बताऊंगा तुम उदासी का कारण बुझना चाहते हो। यानी मेरी माँ बैठक में आई थी। बोलो पिताजी, ऐसी कौन सी बोली तुमको बोल गई है? आज से मैं बताऊंगा। बोलो दरबार से आई थी और कहने लगी तुमको खबर जरा भर नहीं है। मैंने कहा फिर बात क्या है? तो कहा बेटी शादी लायक हो गई है तो इसलिए शादी के लायक हो चुकी है। हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है पिताजी, बुलाओ नौकर को। नौकर तो सारा जानता होगा, कोई विद्वान पंडित और लौवा पंडित आएगा। पंडित से साहित्य बिछवाओ पहले, और जब टीके की मुहूर्त होगी तो टीका जब पंडित जी बताएंगे टीका लेकर जाएंगे। नौकर ताले आओ।
हरमला पूरी खाई है। जरा सुनो, नहीं होगा, मर जाओगे, सोच लो। हो तुम सले हरमला पूरी खा रहे हो। अरे नौकर, ये बताओ तेरी जानकारी में कोई बढ़िया सा पढ़ा लिखा पंडित है? तेरी जानकारी में कोई अच्छा सा विद्वान पंडित है पढ़ा लिखा? है नहीं का पंडित है? बहुत जने हैं। तो साले इधर क्या करते हो? नादा बहुत जने हैं। साले ऐसे क्यों नहीं करते? बहुत लोग हैं, हम जाते तो नहीं हैं। हर पंडित का हो हमारे घरे रोज लोग, तो हम जाएंगे। बोलो विजय दत्त। बोलो पिताजी। ये कब पंडित ढूंढ कर लाएगा और कब वो सहित बिचारेगा? ये भी बात मेरी समझ में तो ये आता है कि टीका लेकर के तुम और ये नौकर चले जाओ और जहाँ पर अच्छा सा देखना लड़का और राजा के यहाँ वहाँ पर जाकर टीका चढ़ा देना और फिर वापस चले आना। दिन पिताजी वैसे जो साला पंडित ढूंढ जाएगा तो साला छह महीने बाद तो पंडित ढूंढ कराएगा। यही बात मैं सोच रहा हूँ। ठीक है नौकर, जाओ टीका की सामान लेकर आओ और हमको तुमको चलना है। अब तुम चली हो चाहिए। हम जाइए और हम चलेंगे। ओ की का सामान उठाई ले की का सामान साले टीके का सामान टीका क्या हां वहां तो बोलेंगे। जाओ तुम टीके की सामान लेकर आओ, तब तक मैं जो शर्तें हैं मैं लिखवा दूँ। ठीक है जाओ, बहुत जल्दी से जाओ। तुम इनका लिखाओ शर्तें तो तले हम आई थी। बहुत जल्दी से जाओ। आसमान और विजय दत्त काफी और कलम चाहिए। जो मैं शर्तें बताऊंगा वो तुम्हें लिखना होगा। बोलो पिताजी, मैं अवश्य लिखूंगा। हाँ ये ले लो। चलो जल्दी से लिखो। और विजय दत्त बहुत जल्दी से आइए। बोलो पिताजी। अरे सिद्धि श्री सर नामाल अब जो
मंजूर करेगा वही मेरी बेटी के संग केसर के संग शादी करेगा। क्यों नहीं पिताजी, जिसके भुजाओं में ताकत होगी इतनी शर्तें पूरी करेगा तो मेरी बहन की शादी अवश्य अवश्य करेगा। और नौवा को बुलाओ और टीका लेकर के बहुत जल्दी। क्यों नहीं पिताजी, लीजिए तुम अपने साथ। लो और तुम यहाँ से उरई को चले जाना माहिर के। जो हमारे पिताजी ने बताए हैं और हमने लिखा है ये शर्तें इसी टीके में रख लो। टीके में रख दी, टीके में रख दी। लेकर के टीका और चलेगा देश उरई को। उरई के और क्या, क्योंकि मामा माहिर के वहाँ चलेंगे, वो बावड़गढ़ में चलते हैं, उनको तो हर एक चीज मालूम है, कहीं ना कहीं अच्छा सा लड़का और अच्छा सा घर और घर दे करके हमें बताएंगे, वहाँ अपनी बहन का टीका चढ़ाएंगे। तो कुछ गावत बजाओ, चलो यार, चलो कुछ मनोरंजन करते रहो, लेकिन थोड़ी दूर के बाद तुमको मालूम होना चाहिए आगे बहुत घना जंगल है। हाँ, क्योंकि क्वारल का मामला है। क्वारल नया यार, साले बैठा बुला का मामला है। बैठा बुला क्या है, यहाँ साले बदमाश बहुत लगते हैं। बदमाश नहीं लगते, यहाँ सब नेकमा से बैठे, ये सब नेकमा से निकल यहाँ से आके जाओगे। हुआ हुआ, भगवतीपुर चौराहा निकलो के सारे सब तुमको चोर मिलेंगे। तो बात सही है, तो कुछ मनोरंजन कर चला जाए। कुछ मनोरंजन कर लो और फटाफट चलते रहना। तो दादा आओ, तो कोई भजन सुनाओ। चली क्या भजन, तो साले भजन जानते हो तो भजन गाओ। वही भजन सुने, गोरे बदन पर यार कुर्ती कसी कसी। अरे तुम्हारे भजन ये सारे तुम्हारे कैसे भजन हो गए, गोरे बदन पर यार कुर्ती कसी कसी। तो गीत सुनाई मारिया डर रही भाई, रगरिया डर रही मारिया डर रही हाई, रगरिया डर रही युद्धरुहा Thank you.
सोने जी तेजी से चल के धार के आना दादा जैसे ब्रेक लगावत ही तो आदमी डिफर देते तुम डिफरो करवाई दी साले हम डिफर दे तुमको तुम सारे अंधे हो क्या अंधे नहीं तुम कहा था जैसे चलाओ जैसे वो पाछे पाछे चली थी चलो बतावत है पुआ नायलान गुलगुला खाते ऐसी दादा तुम ना बोलो तुम ना बोलो ऐसी इधर 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 तुम ही तुम क्यों बताओ आओ तुम कौन हो कहां के रहने वाले और क्या हम कूदतवा चलो साले इधर आओ बता दादा बता दादा बता दो ये बताओ तुम कौन हो कहां के रहने वाले क्या तुम्हारा नाम है कहां के रहने वाले क्या तुम्हारा नाम है हम अपने घर के रहने वाले अच्छा अपने घर के रहने वाले अपने घर खाना खाते हैं अपने घर पहुंच दिए तुमसे का मतलब है मतलब का है और का हम तो साले कोई मतलब ना तुमसे बोलो कहां के रहने वाले हो क्या तुम्हारा नाम है अरे किस कारण से झाबर में भटके घूम रहे हो यानी तुम हमारा नाम और ग्राम पूछना चाहते हो सुनो मेरी बात बोलो अरे सुन ले छत्ती आओ जा पर मिले तई लेकिन हम भी तुम्हारी पर्चे पूछना चाहते हैं बोलो 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 अरे रहने तो वाले कोई हम चला हार के
उदाहरण के लिए ढाबर में अटके घूम रहे हो, यानी तुम चौड़ा मुंशी हो जलहर में रहते हो। क्या नहीं? अरे पृथ्वीराज चौहान के मुंशी हो। क्या नहीं? चौड़ा मुंशी बोलो। अरे कौने कारण रखतारो क्यों जा रहे हो? कौन काम से जा रहे हो? अरे हम देश रही को जा रहे हैं। किस कारण के लिए? मैं काफी दिन हो गए हैं माहिल मामा के वहाँ रह गया था। अच्छा, आज मेरे दिल में उमंग आई कि चलो हम और नौकर माहिल मामा की मुलाकात करें। मुलाकात करने जा रहे हैं कि यार हम कहूँ जाते हुए ठीक है, और का तुमसे का मतलब है? तुमसे का मतलब हम जाए थे ठीक है, हम इस रास्ते गए थे, हम तुमसे ना ही बोले थे ना तुमसे ये बोल रहे। अरे बोल, किस कारण के लिए जा रहे हो? भेद क्यों छुपा रहे हो मुझसे? इससे पूछो तुम को तो फिर भाई भाई बोलो साले बताओ क्या नहीं? अच्छा तुम आओ को हम चौड़ा मुंशी हैं। साथ साथ बता दो तुम कहाँ को जा रहे हो, किस काम से आए? हम तुमका साथ ना बताए, इन्हें ही बताई पाई है, इनका काम है करते हम इनका लिए देते बोलो साले बताओ क्या नहीं? इनका काम जो कुछ हो। अच्छा सीधा